हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आए दिन नए नए स्मार्टफोन लॉन्च होते रहते हैं, नए नए ब्रांड भी लॉन्च होते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड होते हैं जो छोटे होते हैं, नहीं पता चलता है। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो हाइप क्रिएट कर देते हैं और उनके बारे में हम लोग को पता चल जाता है। और तो ऐसे इसी में एक फ़ोन है, नथिंग फ़ोन 1, जो लॉन्च हो चुका है हमारे इंडिया में और इसकी प्राइस भी रिवील हो चुकी है। क्या हमको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या अदर ब्रांड से क्या ये अलग लेके आता है, क्या हमें ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसी के बारे में बात करूँगा। जैसे कि रेडमी हुआ, रियलमी हुआ, सैमसंग हुआ, ओप्पो हुआ, वीवो हुआ, ये सब जो ब्रांड अभी तक चली आ रही हैं अभी तक, क्या उनसे अलग ये फ़ोन करता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई का ही चैनल है भाई। तो फर्स्ट वन आपको बात करते हैं इसमें आपको डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको इसमें 6.5 इंच की फुल HD OLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो आपको 13 नीट्स तक आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, जो आपको सनलाइट में अगर जाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप विजुअली आराम से उसको देख सकते हो, कोई भी पिक्चर हुआ या आराम से कोई भी चीज़ आप देख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की, तो बैटरी की। तो बैटरी आपको इसमें 4500 mAh की मिल जाती है, जिसको फास्ट चार्ज करने के लिए 33 W की फास्ट चार्जिंग दी गई है, जो ठीक है, डिसेंट सा है, कोई बात नहीं है, चल सकता है। और इसमें वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, जिस प्राइस रेंज में आता है उसमें वायरलेस चार्जर है। तो काफ़ी अच्छा फीचर्स इसमें दिया गया है, जो आपको 15 W का वायरलेस चार्जर मिलता है, रिवर्स चार्ज भी कर सकते हो, तो ठीक है। इसमें रिवर्स चार्जर के लिए आपको 10 W दिया गया, अदर फ़ोन चार्ज करना चाहते हो या कोई भी ईयरफोन हो या इस टाइप का, वो आप उसमें चार्ज कर सकते हो अगर सपोर्ट करता है तो। और बात करते हैं इसमें प्रोसेसर, आपको 770G+ प्रोसेसर मिल जाता है, जो 5G बेस्ट प्रोसेसर है, काफ़ी डिसेंट सा प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा कह सकते हो। इसमें गेम खेलोगे, पबजी खेलोगे, BGMI खेलोगे, COD खेलोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है जिस प्रोसेसर आपको मिलता है जिस प्राइस रेंज में, ठीक है, तो प्रोसेसर के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसमें आपको रैम मिल जाता है 8 GB और 12 GB भी मिल जाता है। इसमें 6 GB रैम वाला वेरिएंट नहीं मिलता है और आपको 128 से स्टार्ट होकर 256 तक जाता है, जिसकी प्राइसिंग मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कितना इसका प्राइस किस किस वेरिएंट का है। अब मेन पॉइंट बात कर लेते हैं कैमरे में क्या इसमें फीचर्स मिल जाता है। जो इसमें आपको 50+50 MP का रियर कैमरा मिल जाता है, जो एक कैमरा है 50 MP का, वो सोनी का सेंसर मिलता है और दूसरा इसमें आपको सैमसंग का सेंसर मिलता है, जो आपको रियल पिक्चर खींच के देता है। जो इसमें कुछ थोड़ा सा नहीं होता है कि वीवो ओप्पो का फ़ोन ज़्यादा बूस्टेड कर देते हैं कलर, रियलमी भी फ़ोन अपना बूस्टेड कर देता है आपको जो भी फ़ोटो होता है, लेकिन इसमें आपको रियल फ़ोटो देखने को मिलेगा। मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर रिव्यू देखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको कैमरा अच्छा मिल जाएगा, रियल कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बेस्ट है। और इसमें आपको फ्रंट कैमरे में 16 MP का मिलता है, जो उसमें सोनी का भी सेंसर लगाया गया है, IMX471, जो आपको OnePlus के फ़ोन में देखने को अक्सर मिलता होगा। आपको इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जो सभी फ़ोनों में मिलता है। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, तो और बाकी सेंसर तो मिलता है, एक्सेलरोमीटर, पैरास्कोप, ये सब सारे सेंसर, NFC भी आपको मिल जाता है, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको जो मिलती है, जो बेसिक फ़ोनों में मिलता है, जो महंगे फ़ोन होते हैं उनमें, तो ये सारे फीचर्स आप उसमें यूज कर पाओगे। और कलर वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको कलर ब्लैक एंड वाइट मिल जाता है, जो काफ़ी डिसेंट सा कलर है, जो सभी को पसंद आएगा, इसमें कोई बात नहीं है, अच्छा कलर है। इसमें यह नहीं कि भड़काने के लिए कुछ अलग अलग कलर यूज किया गया हो, ऐसा कोई नहीं है, अच्छा कलर है ब्लैक एंड वाइट। और तो और अब नए फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो बैक का कवर दिया हुआ है ना दोस्तों, बैक जो कवर है आप देखोगे तो क्या लुक है यार। मैं कवर की बात नहीं कर रहा हूँ जो लगाया जाता है, मैं बैक कवर, फ़ोन के बैक की बात कर रहा हूँ, जो काफ़ी शानदार लग रहा है यार। क्या नोटिफिकेशन आएगा तो क्या ब्लिंक करेगा, अगर कहीं आप मार्केट में जाते हो नाइट का समय हो और आप वहाँ पे दिखाते हो तो क्या लुक है यार, मज़ा आ जाएगा। ज़रूर कोई देखेगा ना तो 4 में से 2 तो ज़रूर पूछेंगे यार कि हाँ यार कहाँ से ले, कौन सा फ़ोन है, कौन सा नया ब्रांड आ गया, ये सब ज़रूर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने जो फ़ोन लिया हुआ है काफ़ी अच्छा है, हाँ तो वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप कोई फ़ोन लिए हो, सोचो अगर कोई पूछ देता है उसके बारे में तो कितना अच्छा लगता है यार, मैंने लग रहा है अच्छा फ़ोन लिया हुआ है, तभी तो कोई पूछ रहा है,
तो इसके प्राइस की बात करें तो आपको मिल जाता है 8GB 128 का आपको प्राइस मिल जाता है 32,000 रुपये, और 8GB 256 का प्राइस मिल जाता है 35,000। तो आपको दोस्तों एक और वेरिएंट मिलता है 12GB वाला, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 8GB 128 और 8GB 256 वाला आप वेरिएंट ले सकते हो, क्योंकि ये डिसेंट सा फ़ोन है और आपको ये इतना स्टोरेज काफ़ी होगा, इनफ होगा गेमिंग करने के लिए, हर एक चीज़ करने के लिए। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप फ़ोन लो। इसमें आपको नथिंग OS का भी एक जैसे कि ऑक्सीजन OS मिलता है, इसी टाइप का आपको नथिंग OS मिलता है जो आप यूज करोगे, नया यूजर इंटरफेस होगा जो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, एक अलग बनाएगा अदर फ़ोन से। पहले आप लोग रेडमी रियलमी ओप्पो वीवो चलाते थे, तो आप उसको बंद करो, आप चलाओ नथिंग फ़ोन, मेरे रिकमेंडेशन से, क्योंकि काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा मुझे पता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी पता चल सके कि ये फ़ोन कैसा है। जय हिंद, जय भारत।